Hi, welcome to the channel and thank you for watching. अगर आप यहाँ पर नए हो तो hi, welcome. I'm Jabeen Sarang. And if you're old और आप सोच रहे हो कि मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ, so well I decided let's talk in Hinglish, which is like Hindi and English mix. Because मेरे बहुत सारे friends मुझे WhatsApp पे ping करके बोलते हैं कि ये video बना दो, वो video बना दो, but please हिंदी में भी explain करो. So I was like ठीक है चलो करते. मुझे बहुत मजा आ रहा है इस तरह से बात करके, because this is the usual way I talk. मैं normally ऐसे ही बात करती हूँ. You talk in English, you talk in Hindi, you mix them together, and it's a fun language that we Indians have created. I started this series. ये series मैंने शुरू किया है because मुझे लग रहा है कि जितने request मुझे आते हैं WhatsApp पे, a lot of these people don't want to know कि आप high end eye shadow और ये सब कैसे करते हो, आप contouring कैसे करते हो and all of that. A lot of people want to know the basics, क्योंकि इंडिया में हम रेगुलर एवरीडे बेसिस पर बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ करते. बहुत सी लड़कियाँ आज भी लिपस्टिक या लिप ग्लॉस लगाकर और काजल लगाकर खुश रहती है, बिकॉज वी डोंट रियली नीड अ लॉट ऑफ मेकअप. जितना हम यूट्यूब पे देखते हैं, जितना हम वेस्टर्नर्स को देखते हैं करते हुए, उतने मेकअप की हमें ज़रूरत नहीं है, ना हमारा क्लाइमेट हमें इतना मेकअप करने देता है, बिकॉज आप अच्छे से मेकअप करोगे और बाहर जाते ही पूरा धूप में वाट लग जाती है. इसीलिए आई थॉट कि चलो बैक टू बेसिक्स पर जाते हैं एंड बेसिक चीज़ें करते हैं. तो आई वॉज लाइक कि चलो लेट्स मेक अ वीडियो जहाँ पर यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन. जितनी बार भी मैंने लोगों को देखा था फाउंडेशन लगाते हुए व्हाइल आई वॉज ग्रोइंग अप, दे वुड जस्ट पैट इट, डॉट इट एंड स्प्रेड इट विद देयर फिंगर्स एंड गेट ओवर विद. आजकल हमारे पास ब्रश है, स्पॉन्ज है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा चलो सारी टेक्निक्स बताते हैं कि ब्रश किस तरह से यूज़ किया जाता है, स्पॉन्ज किस तरह से यूज़ किया जाता है और हाथों से आप कैसे लगा सकते हो एज इन फिंगर्स से. सो यहाँ पर मैं फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ. ये पार्ट मैंने ब्रश से किया हुआ है और ये पार्ट ऑफ द फेस मैंने स्पॉन्ज से किया हुआ है. राइट नाउ मेरे फेस पे कोई पाउडर भी नहीं है, तो यू कैन क्लियरली सी कि फाउंडेशन भी कितना अच्छा है. इनकेस आपको ये सीरीज अच्छी लगे और आपके पास और ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ठीक है जबीन अब फाउंडेशन हो गया, लेट्स गो ऑन टू मस्कारा, लेट्स गो ऑन टू कंटोरिंग और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज. विदाउट फर्दर अडू, मुझे और ज़्यादा बातें नहीं करनी, आपको परेशान नहीं करना. सो हम डायरेक्टली वीडियो में जाते हैं और आप देख सकते हो कि मैंने उसको कैसे किया. स्टार्ट बाय पुटिंग योर हेयर back. So I'm going to use my favorite foundation stick that I'm using these days. I am in love with this. I have reviewed this product. You can click the video right here to go check it. Mera favorite nowadays is brush. Maine beauty sponge bhi bahut zyada use kiya hai, but with time I realized ki beauty sponge bahut zyada product kha jata hai. So isiliye I was like oh my god nahi, I cannot waste that much of product. That's not me. तो मैंने ब्रश यूज़ करना चालू किया. मैंने फिंगर से भी काफ़ी बार काम किया है, बट देन मैं बहुत क्लेनलीनेस के पीछे पागल हूँ, तो मेरा OCD मुझे अपनी फिंगर्स यूज़ करना नहीं देता. आई मीन अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो मुझे हैंड वॉश करना पड़ेगा इससे पहले कि मैं मेकअप लगाऊँ, तो ब्रश यूजुअली मेरी सेफर बैट होती है. बहुत हो गई बात है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो माई पैन स्टिक इज़ दिस वन. ये कलर एसेंस की बेज है जिसका नंबर FS5. सो यूजुअली इसको बस लेकर आप अपने फेस पे लगा लेते हो, उसके बाद आप कुछ टूल यूज़ करते हो उसको स्प्रेड करने के लिए. आई यूजुअली जस्ट पिक इट अप, पुट इट ऑन लाइक दैट, आँखों के नीचे भी ऑब्वियसली द ब्रश. एक्चुअली मैंने उस वीडियो में बताया है कि ब्रश को भी दो तीन तरीकों से कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स क्विकली रिकैप दैट. तो सबसे पहले आपको ब्रश लेकर उसको इस तरह से घिसना नहीं है ज़ोर ज़ोर से, आपको बहुत लाइट हैंडेड कोई भी मेकअप अप्लाई करना है, रूल नंबर वन. रूल नंबर टू, उसको आपको व्हेन आई एम अप्लाइंग फाउंडेशन, तो सबसे पहले मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ. इसका नीचे का पार्ट था, टूट गया, तो ये मेरे लिए ज़्यादा हैंडी हो गया बिकॉज मैं इसमें ऐसे फिंगर डाल के इसको आराम से यूज़ कर लेती हूँ, प्लस ये मेरे बैग में भी आसानी से आ जाता है. एनीवे, सो आई प्रिफर डेंस ब्रश. डेंस मतलब इसके अंदर बहुत सारे ब्रिसल्स हैं, ये बहुत लूज और बहुत पाउडरी टाइप्स नहीं है, ये बहुत थिक ब्रश है. ओके, सेकेंड ये फ्लैट टॉप है इसका, इसका कोई राउंड टॉप नहीं है या ये इस तरह से नहीं जा रहा है, ये चपटा नहीं है. सो द थिंग इज़ कि इससे मुझे लगता है, इस फ्लैट टॉप की वजह से मुझे लगता है कि इसका एप्लीकेशन बहुत आसानी से होता है. एंड थर्ड, इफ़ यू सी नाइस एंड क्लियर, ये सिंथेटिक ब्रश है. आपको अमेजोन और यामा बहुत सारे ब्रश मिल जाते हैं, ब्यूटी सेंटर्स एंड ऑल, वेगा के स्पेशली, जो सिंथेटिक नहीं होते. अगर आप दो 300 रुपये ज़्यादा खर्च करोगे तो आपको BS मॉल का, जैसे ये है, सिंथेटिक ब्रश का सेट मिल जाता है जो ज़्यादा अच्छा होता है. अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आई थिंक आई मेक अनदर वीडियो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो.
So I use this brush and इसको इस तरह से रख के सबसे पहले मैं सिर्फ प्रोडक्ट को स्प्रेड करूँगी और स्प्रेड करने के लिए मैं ऐसे टैपिंग मोशंस करूँगी. तो इफ़ यू कैन सी ये ऑलरेडी ब्लेंड होना चालू हो गया है. डू यू सी दैट? एक आप ये कर सकते हो, दूसरा आप हल्के हाथ से फाउंडेशन को इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से. ठीक है, तो मैं टैपिंग और स्प्रेडिंग और टैपिंग और स्प्रेडिंग कर रही हूँ राइट नाउ. सो इफ़ यू कैन सी ये कैसे दो सेकंड में आपसे बात करते करते इट्स गेटिंग स्प्रेड एंड इट्स नाइस एंड इवन. सी, ठीक है. तो ये करने के बाद आई फील, मुझे पर्सनली लगता है कि ये फाउंडेशन इज जस्ट ऑन द टॉप लेयर, ये सिर्फ ऊपर ही बैठा, ये अंदर नहीं गया. फॉर विच आई देन स्टार्ट प्रेसिंग द प्रोडक्ट इनसाइड द स्किन, प्रेस कर करके इसको अंदर डालते हैं एंड देन फाइनली आई यूज द राउंड बफिंग मोशन. ये बस मुझे अच्छा लगता है, बट आई थिंक ये अल्टीमेटली इवनली प्रोडक्ट को पूरा स्प्रेड कर देता है एंड इट इंश्योर्स कि मेकअप आपकी स्किन के अंदर जा रहा है. सिंपली बिकॉज अगर ऊपर रहता है तो वो परत जैसे दिखती है, जस्ट स्टेज ऑन योर स्किन एंड इट इज नॉट लुक गुड. सो एटलीस्ट नॉट टू मी. तो ये इस तरह से हमने ब्रश से अप्लाई कर लिया. अब बिकॉज मुझे एक्ने हैं और मुझे डार्क स्पॉट्स है, मैं सेकेंड लेयर यूज़ करती हूँ, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निक, सो लेट्स डू दैट. तो ये था ब्रश वाला साइड. अब हम इस साइड पे उसको ब्यूटी स्पॉन्ज से करेंगे. सिमिलरली मेरे पास ये वाला रियल टेक्निक्स का स्पॉन्ज है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो या ना करो, डजंट मैटर. आई डोंट यूज़ द स्पॉन्ज एनीमोर, इसलिए आप देख रहे हो ये कितना क्लीन है, बिकॉज आई डोंट यूज़ इट एट ऑल. मुझे लगता है ये बहुत बड़ा खा जाता है. एनीवे, सो दिस इज़ अ स्पॉन्ज. स्पॉन्ज से बहुत आसान है, आपको सिर्फ टैप 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 करना है, क्योंकि आप खींच नहीं सकते हो प्रोडक्ट को. ये आई डोंट नो, इट डज नॉट वर्क वेरी वेल, ऐसे ऐसे खींचते हैं तो ये बड़ा गंदा हो जाता है. सो टैप 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 और टैप करते करते आपको हल्का सा, सी दैट, हल्का सा ड्रैग करना है प्रोडक्ट को इस तरह से. आप ऊपर से नीचे पूरा नहीं ड्रैग करोगे, टैप करते करते आप इसको ड्रैग करोगे. हाँ, एक चीज़ है कि ब्यूटी स्पॉन्ज से एयरब्रश्ड फीलिंग आती है, इट लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी एयरब्रश्ड. आप देख रहे हो कितना अच्छा, जबकि मेरे एक्ने यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है और मेरे पास ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है, बट स्टिल दिस साइड ऑफ द फेस इज लुकिंग सो नाइस एंड एयरब्रश्ड ऑलरेडी. एंड अनदर रीज़न कि मैं स्पंज नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे ये हर बार वॉश करना होगा. ये अब यूज़ करके मैं इसको वापस नहीं रख सकती हूँ बैग में. आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, 4-5-6 दिन के बाद वॉश करते हैं या महीने में अगर वॉश करते हैं, बट दैट्स नॉट मी. मैं पागल हो जाऊँगी अगर मैंने ऐसे किया. तो स्पॉन्ज से आप देख रहे हो कितना इवनली नाइस अगेन पूरा ये कवर हो गया. टेक अ फिंगर्स. अब फिंगर्स पे क्या होता है कि आपकी वॉर्म्थ होती है, आपके फिंगर्स पे ऑलरेडी वॉर्म्थ होती है जो प्रोडक्ट को इवनली स्प्रेड करने में मदद करती है. वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट फिंगर्स इज कि अगेन मेकअप ऑन द टॉप ऑफ योर स्किन रहता है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी अंदर नहीं जाता. इफ़ यू वॉन्ट नाइस एयरब्रश्ड फिनिश, इफ़ यू वॉन्ट अ नाइस प्रॉपर नो मेकअप लुक, यू शुड रादर गो फॉर अ स्पॉन्ज और अ ब्रश. बट फिंगर्स आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं. या दैट्स अबाउट इट. आई कम्प्लीट माई मेकअप एंड आई कम बैक एंड टॉक टू यू गाइस. सो या दैट्स हाउ यू पुट योर फाउंडेशन ऑन विद योर फिंगर्स एंड ब्रश एंड अ ब्यूटी स्पॉन्ज. आई एम रेडी टू गो टू ऑफिस, तो मैंने सोचा मैं क्विकली अपना मेकअप कम्प्लीट करके आपसे आकर बात करूँ. इफ यू कैन सी, मैंने अभी भी अपने फेस पे और कुछ नहीं लगाया. ये पैन स्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके बारे में और जानने के लिए गो टू दैट वीडियो एंड चेक दैट वीडियो, बिकॉज मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है वाई आई लाइक इट and a lot of other things about it. If you have more such video requests, chota mota or back to basics wala, to let me know in the comments below. I'll be happy to make it for you guys. And if you are wondering how I got these eyebrows, how I got these lashes and how I got this lips, ye sare video maine single banaye hue hai. I'm gonna put that in the description box below, to aap wahan pe check kar lijiye. Ye ombre lips hai, mere absolute favorite hai, to don't forget to check that and share with your friends.